पोस्चर एंड पर्सनालिटी एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं, ठीक है। इनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। जो गुड पर्सनालिटी एंड करेक्ट पोस्चर है, ठीक है, ये दोनों ही एक व्यक्ति की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब पढ़ने का पोस्चर, ठीक है, अगर आप लेटे लेटे अंदाज में पढ़ोगे तो आपको नींद आ जाएगी, मगर अगर आपका पोस्चर करेक्ट होगा, ठीक है, सही तरीके से बैठोगे, ठीक है, और फिर पढ़ोगे तो फिर आपका काम इफ़ेक्टिवली भी होगा और आप एनर्जेटिक भी रहोगे, आपको नींद भी नहीं आएगी। और जो पर्सनालिटी होती है, जो पर्सनालिटी क्या करती है, ये इन्फ्लुएंस करती है अ पर्सन फ्रॉम विद इन, कि वो पर्सन काइंड है, सोशल है, ठीक है, उसका नेचर बहुत अच्छा है, ठीक है, वो बहुत स्वीट है, उसके कपड़े कपड़े पहनने का क्या अंदाज़ है, ठीक है, उसकी कपड़ों की चॉइसेस क्या है, ठीक है, ये सब कुछ पर्सनालिटी है। और पोस्चर है जो आपकी आउटर अपीयरेंस बताता है, ठीक है, कि आप खड़े किस तरह से हो, आप चल किस तरह से रहे हो, आपकी बॉडी की मूवमेंट्स कैसे जा रही हैं, ये सब हमारा पोस्चर है। अब जो पोस्चर होता है, आप देखते हो कि जैसे मॉडलिंग वॉक है, उसमें पोस्चर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, ठीक है, पोस्चर एंड पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। परफेक्ट एग्जाम्पल इज़ मॉडलिंग वॉक, राइट। अगर आपका पोस्चर करेक्ट होगा तो वो आपकी ग्रेस एंड एफिशिएंसी बढ़ाएगा आपकी मूवमेंट में, और ये चीज़ें एक पर्सन को हेल्दी, इफ़ेक्टिव एंड एनर्जेटिक बना देती हैं, ठीक है। ऑल्सो दिस हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ कॉन्फिडेंट पर्सन। इन सब चीज़ों से एक जो पर्सन होता है, अगर उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसका पोस्चर अच्छा है, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है, ठीक है, और ऐसा व्यक्ति सोशल भी होता है, डिसिप्लिन भी होता है और सेल्फ रिलायंट भी, ठीक है। सेल्फ रिलायंट होता है कि जो खुद के अपने आप पर विश्वास रखे, खुद की पावर्स पर विश्वास रखे, ठीक है, और यही चीज़ें एक पर्सन की गुड पर्सनालिटी में रिजल्ट देती हैं, ठीक है। तो जो पोस्चर एंड पर्सनालिटी है, ये दो पहलू हैं एक सिक्के के, ठीक है।